इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डियर डिपार्टेड की समरी। ये एक प्ले है यानी खेल है जिसे स्टैनली ह्यूटन ने लिखा था। तो चलिए मिलकर इसके मतलब जानते हैं। डियर डिपार्टेड जो है इट इज़ एन इंटरेस्टिंग ड्रामा, यानी ये एक दिलचस्प ड्रामा है अबाउट लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एल्डरली। यानी ये ड्रामा ऐसे लोगों के मुतालिक बताता है जो बड़ों का या अपने बुजुर्गों का अदब खो देते हैं, यानी उनका अदब वो नहीं करते, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो इस ड्रामे के शुरू में क्या होता है? इट स्टार्ट्स विद द न्यूज़ ऑफ डेथ ऑफ द एल्डरली ग्रैंडफादर। यानी एक फैमिली दिखाई गई है जिसमें एक ग्रैंडफादर है या दादा बू हैं, यानी एक बुज़ुर्ग हैं कि जिनकी मौत की खबर के साथ इस ड्रामे का आगाज़ होता है। तो फिर क्या होता है? डॉटर एंड सन इन लॉ ट्राइंग टू शो दे आर रियली सैड। उनकी जो बेटी है और उनका जो दामाद है वो ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत ही अफसरदा हैं इस वाक़े से। और फिर वो क्या करते हैं? दे इन्फॉर्म देयर रिलेटिव्स। वो अपने रिश्तेदारों को बताते हैं जो कि उन्हीं मरने वाले जो बुज़ुर्ग हैं उनकी दूसरी बेटी और दूसरा दामाद होते हैं। इसके अलावा दे आस्क देयर डॉटर टू शो सैडनेस। उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम विक्टोरिया होता है, तो उसे वो नसीहत करते हैं कि वो भी बज़ाहिर उदास दिखने की कोशिश करे, यानी जब दूसरे रिश्तेदार आएंगे तो उनके सामने ये दिखाने की कोशिश करे कि उसे अपने नाना जो हैं उसकी वफ़ात का बहुत दुख हुआ है। इसके बाद क्या होता है? दे डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल मटीरियल बेनिफिट्स एंड स्कीम टू ग्रैब वॉट एवर आर्टिकल्स आर लेफ्ट। उसके बाद वो आपस में ये बातचीत करने लगते हैं कि किस तरह से अब जो भी कुछ बचा खुचा, यानी जो भी जायदाद वगैरह या जो भी चीज़ें ग्रैंडफादर पीछे छोड़ गए हैं तो उन्हें किस तरह से हासिल किया जाए। और इसके लिए वो स्कीम करने लगते हैं या प्लान करने लगते हैं। और इसके बाद क्या होता है? रिलेटिव्स अराइव इन देयर फाइन अटायर फॉर मॉर्निंग। यानी रिश्तेदार उनके जो हैं वो आना शुरू करते हैं और जब वो पहुँचते हैं तो उन्होंने सोग के लिहाज से यानी गम दिखाने के लिए उसी के मुताबिक उन्होंने काले और नए रंग के कपड़े पहने होते हैं। लेकिन फिर कुछ ही देर के बाद क्या होता है? सिस्टर्स एंड देयर हस्बैंड्स कीप डिस्कसिंग द प्रॉस्पेक्ट्स। यानी वो जो दो बहनें होती हैं और उनके जो शौहर होते हैं वो फिर उन्हीं बातों में लग जाते हैं कि किस तरह से उनके वालिद के मर जाने के बाद जो उनकी मलकियत और जायदाद वगैरह पीछे बची होती है तो किस तरह से उसे हासिल कर सकें। इसके अलावा नो वन गोज़ अपस्टेयर्स टू सी द डेड बॉडी। उनमें से कोई भी ऊपर जाकर इतनी भी तकलीफ़ नहीं करता कि मरे हुए का मुंह ही देख ले, यानी उनका दीदार, आखिरी दीदार जिसे कहते हैं, वो करे। यानी उनको बिल्कुल भी मरे हुए शख्स की परवाह नहीं होती, बल्कि वो क्या कर रहे होते हैं? दे स्क्वाबल फॉर द शेयर ऑफ पाई। यानी वो अपने हिस्से की खीर चट करने के चक्रों में झगड़ रहे होते हैं, यानी वो इस कोशिश में लग जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है बाकी रह जाने वाली जायदाद में से हासिल कर सकें। और ऐसे में जब ये सब अपनी बातों में मगन होते हैं तो क्या होता है? ओल्ड मैन वेक्स अप फ्रॉम हिज डीप स्लीप। यानी वो अपनी गहरी नींद से, वो जो बुज़ुर्ग हैं वो जाग जाते हैं। और इसके बाद वो क्या करते हैं? ही कम्स डाउन स्टेयर्स एंड एवरीबडी इज़ सरप्राइज्ड एंड फ्राइटन। वो जब नीचे पहुँचते हैं तो यकीनन अचानक इस तरह से उन्हें एकदम ज़िंदा देखकर तमाम लोग जो हैं बहुत ही हैरतज़दा होते हैं और घबरा भी जाते हैं, डर जाते हैं। इसके बाद क्या होता है? ही नोटिसेस देयर लैक ऑफ अफेक्शन फॉर हिम। बल्कि इससे पहले वो उनकी बातें सुन लेता है, उसे अंदाज़ा हो जाता है, उन बुज़ुर्ग जो होते हैं घर के सरबरा या ग्रैंडफादर, कि ये तमाम लोग जो हैं वो उनसे मोहब्बत नहीं रखते। He notices their lack of affection for him, यानी उनमें उन सब लोगों में उसके लिए कोई ख़ास मोहब्बत नहीं होती सवाए विक्टोरिया के, जो कि छोटी बच्ची होती है, जो कि उनकी नवासी होती है। और उन्हें इस बात का भी पता चल जाता है and greed for his property and he feels dejected। और उन्हें इस बात का भी पता चल जाता है कि वो सिर्फ उसकी जो जायदाद वगैरह हैं उसकी लालच रखते हैं, उसे हासिल करना चाहते हैं, तो लिहाजा वो बहुत ही मायूस होते हैं और बहुत उदास महसूस करते हैं।
और फिर वो क्या करते हैं, वो एक ऐलान करते हैं, ही अनाउंसेस दैट ही इज गोइंग टू लीव टू मैरी अ लेडी. वो ये ऐलान करते हैं कि वो वहाँ से चले जाएंगे और एक औरत के साथ शादी कर लेंगे. इसके अलावा वो ये भी ऐलान करते हैं कि वो अपनी वसीयत जो है उसे तब्दील कर देंगे. तो यकीनन इस बात को सुन के क्या होता है, अनाउंसमेंट कम्स एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर एवरीवन. बोल्ट फ्रॉम द ब्लू ये एक मुहावरा है, यानी इस फैसले को सुनकर तमाम लोग जो हैं उन्हें बहुत ज़्यादा धचका लगता है. तो चलिए अब हम इसी प्ले से मुतालिक क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर वन. हाउ डज मिसेस स्लेटर प्लान टू आउटशाइन द जॉर्डन्स. और फिर ये पूछा गया है व्हाट डज इट रिवील अबाउट हर कैरेक्टर. मिसेस स्लेटर जो है ये उस बूढ़े शख्स की बेटी होती हैं और जॉर्डन्स से मुराद है मिसेस स्लेटर की जो बहन की जिस फैमिली में शादी हुई होती है तो उनका फैमिली नेम जॉर्डन्स होता है. तो इस सवाल में ये पूछा जा रहा है कि मिसेस स्लेटर जो है वो किस तरह से जॉर्डन्स से बेहतर देखने की कोशिश करती हैं और उनकी इस हरकत से उनके किरदार के मुतालिक क्या पता चलता है. तो इसके जवाब में इन पॉइंट्स को शामिल किया जा सकता है, जैसे कि शी वांट्स टू ड्रेस प्रॉपरली फॉर द ओकेजन ऑफ मॉर्निंग, यानी कि वो शोक की मुनासबत से इस बात को का बड़ा अहतमाम कर रही होती हैं कि उसके लिहाज से ठीक तरीके से लिबास वगैरह पहना जाए, जबकि शी डू नॉट हैव न्यू क्लोथ्स, माफ कीजिएगा, शी डज सॉरी दे डू नॉट हैव न्यू क्लोथ्स बट शी वॉन्टेड एवरी वन टू ड्रेस बेटर देन द जॉर्डन्स. यानी उन लोगों के पास जो है नए कपड़े नहीं होते, लेकिन फिर भी वो ये चाहती है कि हर कोई जो है वो जो दूसरी फैमिली है जॉर्डन्स की फैमिली उनसे कपड़ों के मामले में ज़्यादा बेहतर नज़र आए. और इससे उसके किरदार के मुताबिक क्या पता चलता है, इट शोज दैट शी इज़ फॉन्ड ऑफ पॉम्प एंड शो. यानी इससे ये पता चलता है कि वो धूमधाम और दिखावे की बड़ी शौकीन होती है. आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू. व्हाई डज मिसेस स्लेटर डिसाइड टू शिफ्ट द ब्यूरो फ्रॉम ग्रैंडफादर्स रूम बिफोर द अराइवल ऑफ द जॉर्डन्स. हाउ डज हेनरी रिएक्ट टू द सजेशन. यानी मिसेस स्लेटर जो है वो ये इस बात का फैसला क्यों करती हैं कि जो ब्यूरो है यानी वो एक किस्म का मेज़ होता है जिसमें दराज वगैरह भी होती हैं जिस पर बैठ कर लिखने का काम किया जाता है, यानी उसे पढ़ने लिखने के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि ग्रैंडफादर का होता है. तो उसको वो ग्रैंडफादर के कमरे से अपने नीचे लाना चाहती हैं अपने कमरे में, ताकि और ये काम वो जॉर्डन्स यानी दूसरी जो फैमिली है उनके पहुंचने से पहले पहले करना चाहती हैं. तो इसकी क्या वजह होती है और उनका जो शौहर है हेनरी उसका इस मशवरे के मुताबिक क्या रद्द अमल होता है, यानी क्या वो इस अमल को दुरुस्त समझता है या नहीं. तो इस सवाल के जवाब में इस तरह से बात शुरू की जा सकती है कि मिसेस स्लेटर जो है शी फियर्स दैट मिसेस जॉर्डन वुड ट्राई टू ग्रैब एवरीथिंग. यानी उसे ये डर होता है कि उसकी जो दूसरी बहन है मिसेस जॉर्डन शायद वो तमाम चीज़ों पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे जो कि उनका बाप छोड़ के गया था. तो क्या होता है, शी वॉन्ट्स टू शिफ्ट द ब्यूरो टू गिव द इम्प्रेशन that the bureau was bought by the Slaters. यानी वो जो bureau होता है, ये desk होता है writing table सा, तो उसे वो इसलिए shift करना चाहती है नीचे ताकि जब Jordans उनके घर पहुँचे तो उन्हें ऐसे लगे कि गोया वो desk जो है वो खुद Slaters ने ही ख़रीदा था और वो उन्हीं की मलकियत है ना कि उनके वालिद की. तो इसके बारे में हेनरी की क्या राय होती है. हेनरी थिंक्स इट टू मीन टू डू दैट. वो ये समझता है कि ये बहुत ही मतलब परस्त हरकत है, बल्कि वो ये मशवरा देता है ही सजेस्ट टू वेट फॉर द जॉर्डन्स बिफोर डिसाइडिंग. यानी वो ये मशवरा देता है कि फैसला करने से पहले जॉर्डन्स का इंतज़ार करना चाहिए कि वो पहुंच जाएं तो फिर कोई फैसला हो. और फिर इसके अलावा ही बिलीव्स इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनहेरिटेंस. यानी वो इस बात पर यकीन रखता है कि तमाम जायदाद जो पीछे रह जाती है तो यानी उनका बाप जो कुछ भी छोड़कर मरा होता है उसको ईमानदारी और इंसाफ के साथ बिल्कुल बराबर तकसीम होना चाहिए तमाम उनके बच्चों के दरमियान. आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री. व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द जॉर्डन्स टेकिंग अ लॉन्ग टाइम टू गेट टू द हाउस ऑफ द स्लेटर्स. यानी जॉर्डन्स की जो फैमिली है उन्हें स्लेटर्स के घर पहुँचने में इतनी देर क्यों लग रही होती है. और फिर इसके अलावा ये पूछा गया है व्हाट डज इट शो अबाउट द टू सिस्टर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर. और इससे
उन दोनों बहनों के जो आपस का रवैया होता है एक दूसरे के साथ या जो उनकी फितरत है उसके मुतालिक क्या पता चलता है. तो इस सवाल के जवाब में इस तरह से लिख सकते हैं, मिसेस जॉर्डन सेज दे टुक लॉन्ग टू गेट द बेस्ट मॉर्निंग ड्रेसेस. यानी मिसेस जॉर्डन देर से पहुंचने का जो जवाब है वो ये बताती हैं कि वो सोग मनाने के लिए सबसे बेहतरीन किस्म की जो है ड्रेस का या कपड़ों का इंतखाब कर रही थी, लिहाजा इसलिए देर हो गई. और उनसे उनके पहुंच से पहले जैसा दिखाया गया है कि मिसेस स्लेटर किस तरह से घर वालों को कह रही होती हैं कि वो सोग के लिहाज से बेहतरीन कपड़ों का इंतखाब करें ताकि वो जॉर्डन से बेहतर लगें. तो दोनों ही बहनें जो हैं वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही होती हैं. बोथ द सिस्टर्स ट्राई टू आउट डू ईच अदर इन पॉम्प एंड शो, यानी शोर शाह और दिखावे में वो एक दूसरे से बढ़ जाने की या एक दूसरे से नंबर लेने की कोशिश कर रही होती हैं. तो अब हम बाकी के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को अगली वीडियो में मुकम्मल करेंगे. आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए.